हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इमेजिन आर्ट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आप एमएस वर्ड में टैब सेटिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे टैब सेटिंग क्या है, इसे कहाँ यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी आप एप्लीकेशन फॉर्म बनाते हैं या कोई इंडेक्स बनाते हैं या कोई ऐसा मैटर आप टाइप कर रहे हैं जहाँ पर आपको टैब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, टैब्स लगाने होते हैं आपको, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपना वर्ड ओपन किया हुआ है। अभी मैं आपको टैब के बारे में बताऊंगा। अभी मैंने यहाँ पर कुछ टाइप नहीं किया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, देखिए मैंने टाइप किया। अब जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करूँगा तो ये ओनली 0.5 इंच हमें टैब करेगा, ये देख सकते हैं आप। मैं आपको रूलर बढ़ा, ये देखिए अभी मेरा टैब यहाँ पर है, ये आया 3 पर। अब ये जाएगा ओनली 0.5 पर, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये रूलर है। अगर आपके वर्ड में ऐसे रूलर शो ना हो रहा हो, हाइड हो गया हो, तो आप यहाँ व्यू में जाएं और यहाँ पर ये देखिए ये रूलर है। अगर अनचेक होगा तो यहाँ पर आप चेक कर दें तो आपका रूलर यहाँ पर आ जाएगा। अभी हम टैब की बात करेंगे। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर पैराग्राफ, यहाँ पर एक आइकन है यहाँ पर साइड में, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ये पैराग्राफ का ये जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे नीचे कॉर्नर पर ये देखिए है टैब्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टैब्स ओपन हो जाएगा। आप इसको शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, Alt OT। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से और Alt OT प्रेस करेंगे आपका टैब्स बॉक्स ओपन हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर टैब्स लगाना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने किया डिलीट। अब मैं अगर अपने ओपन करूँगा टैब्स Alt OT, ये मेरा टैब्स ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर टैब लगाना चाहता हूँ। अभी मैं सिंपली टैब की बात करूँगा जो नॉर्मली है, तो मैं यहाँ पर एक टैब लगाना चाहता हूँ 1 पर, ये आप देख रहे हैं यहाँ 1, तो मैं डालूँगा 1 और यहाँ से करूँगा सेट। यहाँ पर आपने लेफ्ट ही रखना है। अब मैं चाहता हूँ मेरा दूसरा टैब 2 पर लगे, तो मैं यहाँ पर डालूँगा 2, मैं यहाँ से करूँगा सेट। और तीसरा मैं डालूँगा 3.5, यानी कि यहाँ पर, तो मैं यहाँ से करूँगा सेट और इसे करूँगा ओके। तो देखिए अब मैं टाइप करता हूँ नेम, ये देखिए मेरा टैब यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर मेरे टैब्स लग चुके हैं। मैंने 3 टैब लगाए थे, अब मैं यहाँ पर डालूँगा ये देखिए। ये 3 टैब मेरा यहाँ पर है, ये देखिए। ये तो हो गई सिंपल टैब्स की बात जो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसको करते हैं डिलीट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो देख रहे हैं आप अलाइनमेंट्स की, लेफ्ट, सेंटर, राइट, डेसिमल और बार। ये होता है लेफ्ट में अगर कोई लगेंगे तो आपका राइट की तरफ टैब जो होगा राइट की तरफ चलेगा, और अगर आप सेंटर में करेंगे तो वो सेंटर में टैब चलेगा। अगर यहाँ पर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपका जो टैब होगा वो लेफ्ट की तरफ आपको टाइप करेगा। अब डेसिमल और बार की बात करते हैं हम। जैसे मैं यहाँ पर अभी एक टैब लगा देता हूँ, मैं टैब लगाता हूँ यहाँ पर 1 पर। जैसे ही मैंने 1 पर टैब लगाया, मैं यहाँ से करता हूँ सेट। अब मैं टैब लगाता हूँ दूसरा 2 पर और मैं इसे कर देता हूँ, अब मैं इसे कर देता हूँ दोबारा सेट कर देता हूँ। अब मैं तीसरा करता हूँ और तीसरे पे कर देता हूँ मैं बार। बार का क्या है, ये आपको एक लाइन क्रिएट करके देगा। जैसे ही आप यहाँ पर तीसरे टैब पर बार लगाओगे तो यहाँ पर ये आपको एक लाइन क्रिएट करके देगा। अभी हम देखेंगे, ये देखिए अब मैंने इसे यहाँ पर कर दिया और इसको कर देता हूँ सेट। अब मैं लगाता हूँ 4 और 4 पे कर देता हूँ डेसिमल, ये मैंने कर दिया यहाँ पर डेसिमल 4 पर। अब मैं करता हूँ इसे सेट, करता हूँ ओके। अब मैं जैसे यहाँ पर टाइप करता हूँ, मान लीजिए जैसे मैं करता हूँ, जैसे कोई आप कोई बिल बुक है, मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, मैं डालता हूँ सीरियल नंबर। अब मैं आता हूँ डालता हूँ यहाँ पर टी। अभी हमारा ये आप देख रहे हैं बीच में, इस ये हमारी एक लाइन क्रिएट हो गई है 3 नंबर पर, 3
थ्री नंबर पर हमारी एक लाइन क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर रेट। तो अब ये देखिए, अब यहाँ पर आप जैसे ही कोई अमाउंट डालेंगे, जैसे मैं मान लीजिए मैं यहाँ पर अमाउंट डालता हूँ, देखिए ये इस तरह से आपको करके देगा। मैं करता हूँ एंटर, फिर मैं डालता हूँ वन, डाल देता हूँ टू, कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पर रेट में, मैं कुछ भी डाल देता हूँ एग्जांपल के लिए है, मैं 20 या कुछ भी। ये देखिए फिर यहाँ पर आपको इसी तरह से करके देगा। ये देखिए, ये देखिए, ये आपके बड़े काम की चीज़ है, तो आपको ये समझ आई होगी। अभी हम इसे करते हैं डिलीट। अब हम बात करेंगे लीडर लाइन की। तो लीडर लाइन क्या होती है, जैसे कोई आप एप्लीकेशन अपने वर्ड में बना रहे हैं, या कोई इंडेक्स बना रहे हैं किसी बुक का, या कोई बुक आप टाइप कर रहे हैं जिसमें आपको टैब्स की नीड है, आपने देखा होगा कोई एप्लीकेशन फॉर्म होता है जहाँ पर आपकी डॉटेड वाली लाइन होती है, एक सिंपली अंडरस्कोर फॉर्मेट वाली जो लाइन होती है। तो ये देखिए, ये जो है टू नंबर पर है, ये बिल्कुल बॉटम में है टू के, डॉटेड वाली लाइन है, और थ्री नंबर पर ये उसके सेंटर में है, और ये फोर नंबर पर है अंडरस्कोर फॉर्मेट में है जो लाइन है नीचे। तो जैसे मैं मान लीजिए कोई एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाता हूँ, मैं अपना एक पर मैं यहाँ पे डालता हूँ वन, मैं यहाँ पे डालता हूँ 1.5 और इसे करता हूँ सेट। अब मैं चाहता हूँ उसके बाद, सॉरी मैं यहाँ से वन कर लेता हूँ, नहीं मैं यहाँ से करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ मेरी इसके बाद एक लाइन हो, तो मैं इसको लाइन को डालूँगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ टू, इस लाइन को डाल देते हैं, मैं ये वाली लाइन ले रहा हूँ और इसे कर देता हूँ सेट, कर देता हूँ ओके। अभी जैसे मैं यहाँ पर डालूँगा टू, डैन नेम, जैसे मैं यहाँ डालूँगा, देखिए इस तरह से लाइन हमको क्रिएट करेगा। ये देखिए मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरह से लाइन है। अभी मैं एक टैब रिमूव कर देता हूँ आपको, सॉरी मैंने गलत ज़्यादा ले लिया। अब मैं ये वाला टैब यहाँ से, अगर आप इस बीच में से आप कोई टैब अपना रिमूव करना चाहते थे यहाँ पर, उसी को सिलेक्ट करें, क्लियर पर क्लिक करें। अगर आप सभी चार टैब से रिमूव करना चाहते हैं तो सिर्फ क्लियर ऑल पर क्लिक करें। मैं इसको कर देता हूँ ओके। अब ये देखिए आप यहाँ तक स्टूडेंट्स नेम, मेरी यहाँ तक लाइन आ गई है, देख सकते हैं आप। मैं इसे करता हूँ यहाँ से डिलीट, मैं दोबारा एग्जाम्पल, जैसे मैं चाहता हूँ मेरी ये जो ये लाइन है वो सेवन पर जाकर मेरी ये लाइन हो, मैं इसे करता हूँ सेट और यहाँ करता हूँ ओके। अब देखिए, ये देखिए इस तरह से मेरी लाइन आएगी। अब मैं नेक्स्ट डालता हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से आप लाइन आएगी। आप जैसे मैं यार ये मैं जैसे अब टैप प्रेस करूँगा, ये देखिए इस तरह से, अब मैं करूँ एंटर 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 एंटर, ये देखिए। आप इसको टू फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक बार करके दिखा देता हूँ, ये देखिए टू फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर वाले भी कर सकते हैं जो एक नीचे बिल्कुल बॉटम अंडरस्कोर फॉर्मेट में जो लाइन है, या इसके सेंटर में भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कर दिया, मैं जो चाहिए मैं टू पर मेरी एक लाइन हुई लाइन आए, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर वन, वैसे कर देता हूँ यहाँ पर सेट, और उसके बाद डाल देता हूँ कि मेरी टू के बाद एक लाइन क्रिएट हो, मैं डालता हूँ टू और इसे करता हूँ सेट। फिर मैं डाल देता हूँ टू के बाद मेरी थ्री पर एक लाइन सेट हो, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर थ्री, और फिर कर देता हूँ इसे सेट, कर देता हूँ यहाँ से ओके। अब मैं डालता हूँ नेम, अब मैं जैसे यहाँ पर नेम डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए मेरी लाइन आ गई, आप देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ मेरे वाला नेम आ गया, मैं डालता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं डालता हूँ एज, ये देखिए। आप इसको टू फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ी यूज़फुल चीज़ है ये टैब्स वर्ड्स में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं और अपने जो आप वर्क कर रहे हैं उसको बड़ी जल्दी कर सकते हैं इसका यूज़ करके। तो और जो आप बिना टैब के अगर इसे यूज़ करेंगे, तो देखिए ये है डिफ़ॉल्ट, देख रहे हैं आप डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप, ये आपको 0.5 इंच में मतलब जो है आपको करेगा। तो इस तरह से आप अपने टैब यूज़ कर सकते हैं।
बड़ी आसानी से आपको इंडेक्स बनाना है या एप्लीकेशन फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो अच्छा एक बात और है, ये देखिए मैं आपको दिखा, जैसे मैंने अभी यहाँ पर ये टाइप किया था, मैंने कंट्रोल जेड किया है अंडू, ये देखिए स्क्वेंस में आपको एक तरह से करके देता है। ये देखिए अभी मैं इसको यहाँ से अगर साइज़ भी इसका यहाँ से बढ़ाता हूँ तो ये देखिए इसी तरह से हमारे बिल्कुल स्क्वेंस में रखता है। इस तरह से आप टाइप यूज़ कर सकते हैं। आई होप आज को आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।